हेलो फ्रेंड्स, टुडेज क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था NDA 2009 की जो फर्स्ट एग्जाम हुई थी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 था। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लोग 2x लोग 3x लोग एक्स बेस 16 आर इन GP देन व्हाट इज एक्स इक्वल टू। ये तीनों GP में दे रखे हैं और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हमको पूछा है। देखो गिवन दैट लोग बेस है 2x लोग 3 बेस x लोग एक्स बेस 16 और इन GP एंड एक्स इज ग्रेटर देन, ये दे रखा है। अब देखो ये GP में है, आपने जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर ABC किस में है, GP में है, किस में है, GP में है, देन इम्प्लाइज आपने पढ़ा है इसका अगर तीन संख्या GP में होती है तो B² बराबर क्या होता है AC, इनको इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो मैं इनको किस प्रकार लिख सकता हूँ, लॉग 3x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लॉग बेस हो जाएगा 2x गुणा में लॉग 16 सॉरी एक्स बेस ये हो जाएगा। देन इम्प्लाइज किया जाएगा लोग 3x होल स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने पहले भी बताया था कि लोग AB बराबर क्या होता है, AB अगर बेस ए दे रखा हूँ यहाँ पर बी हो तो ऊपर वाले को ऊपर लिख देते हैं और जो बेस है उसको नीचे लिख देते हैं लॉग में, लॉग बी अपॉन लॉग ए इस प्रकार हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखना ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन लॉग 2 और ये हो जाएगा लॉग 16 अपॉन ये गुणा में है और ये हो जाएगा लॉग एक्स, ये लॉग एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इम्प्लाइज क्या आ जाएगा लॉग 3x का स्क्वायर और देखो इसको किस प्रकार लिख सकते हो मैं, लॉग 2 की पावर 4 लॉग 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा क्या अपॉन लॉग 2। अब यहाँ पर देखो ये पावर इधर आ जाएगी 4 log 2 अपॉन log 2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 बच गया। अब यहाँ से मैं वर्गमूल ले लूँगा, सीधे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ से वर्गमूल ले लूँगा तो क्या हो जाएगा log बेस 3x बराबर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाला ऊपर तो एक्स ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे तो लॉग 3 बराबर 2 आ जाएगा, क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो देन इम्प्लाइज फिर आ जाएगा लॉग एक्स बराबर आ जाएगा 2 log 3 देन इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स बराबर ये घात में हो जाएगा इंटरचेंज तो 3 की पावर स्क्वायर एंटी लॉग ले लेंगे। अब दोनों तरफ बेस समान हो गया तो इसका एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेने पर क्या हो जाएगा एक्स बराबर 3 का स्क्वायर देन इम्प्लाइज एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें,
जी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।